विधानसभा चुनाव से पहले रिश्ता को मिली 60 बेड वाले सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की सौगात। हुगली में लंबे इंतजार के बाद रिश्ता नगर पालिका के निवासियों को विधानसभा चुनाव से पहले 60 बेड वाले एक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की सौगात मात्र सदन के रूप में मिली। इस अस्पताल का लाभ सिर्फ रिश्ता वासियों को ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके में रहने वाले हजारों लोगों को आने वाले दिनों में मिलेगा। रविवार शाम रिश्ता नगर पालिका द्वारा संचालित मात्र सदन अस्पताल का उद्घाटन श्रीरामपुर के सांसद कल्याण बनर्जी ने फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह से पहले विद्वान पंडितों के जरिए रिश्ता नगर पालिका के प्रशासक विजय सागर मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अस्पताल की पूजा हवन आहुति करके सम्पन्न करवाया। रिश्ता के बांगुर पार्क इलाके में नवनिर्मित अस्पताल अत्याधुनिक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से लैस है। 5 मंजिला इस अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अत्याधुनिक तकनीकी से लैस इस अस्पताल में आपातकालीन विभाग की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही ICU, अत्याधुनिक ऑपरेटिंग थिएटर, कम लागत वाली दवा की दुकान, डिजिटल एक्सरे रूम, पैथोलॉजिकल रूम की भी व्यवस्था की गई है। उद्घाटन समारोह में सांसद कल्याण बनर्जी के साथ श्रीरामपुर के विधायक सुदीप्तो राय, चंद्रमणि सिंह, रिश्ता पालिका के तमाम पार्षद समेत रिश्ता के बड़ी तादाद में नागरिक वृंद उपस्थित रहे। रिश्ता मातृसदन रिश्ता म्यूनिसिपालिटी जो बोर्ड छो बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेटर विजय आज विजय एवं समस्त काउंसिलर मिले उद्योग नहीं मातृसदन तैरी कर আমরা আছি তার পিছনে, নিঃসন্দেহে আমি আছি, ডাক্তারবাবু আছে। প্রায় 4.5 কোটি টাকা দিয়ে বিল্ডিং তৈরি হয়েছে আর 1.5 কোটি টাকা দিয়ে 1.5 কোটি টাকার ইনস্ট্রুমেন্ট এসছে এবং খুব তাড়াতাড়ি এমার্জেন্সিটা খুলে যাবে মানে। আর তৃতীয়বারের বার যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হবে তারপরে আরও টাকা নিয়ে এসে এটাকে একদম মডার্নাইজ হসপিটাল করে দেবো। এটা কত বেড থাকবে? 60টা বলে 60টা 60টা বেড থাকবে। আর অত্যাধুনিক কি কি সুবিধা রয়েছে? না অত্যাধুনিকগুলো করবো আস্তে আস্তে করবো সবাই।